रिलेट करते हैं सीएम साहब से, ये बेहतर होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब जब तशरीफ लाएं तो इस एजेंडे को उस पर बहस की जाए। तो वो एजेंडा इसलिए रुक गया, आज साथियों ने उस पर बहस शुरू की है। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब नहीं आते हैं तो जनाब ये एक इंतहाई बड़ा अलमिया है। मैं जनाब की तवज्जो, एक अखबार है 2 फरवरी का जनाब, सॉरी 12 फरवरी का एक स्टेटमेंट है, वो जनाब के नॉलेज में लाता हूँ। इसमें स्टेटमेंट ये है कि सिविल अस्पताल में जैली अद्वियात के ज़रिए मरीजों का इलाज किए जाने का इंकशाफ। अद्वियात की खरीदारी के लिए सिविल अस्पताल के शोबा फार्मेसी में का सालाना बजट 27 करोड़ रुपये है और ये अद्वियात जो जैली अद्वियात लिए जाते हैं वो इन मरीजों को खिलाए जाते हैं। अगर आप ये मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो ये ज़रा साफ को दे दें। जनाब ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा डाका है, बहुत बड़ी करप्शन है, बहुत बड़ा जुल्म है। चाहिए तो ये था कि फौरी तौर पे जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाता, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते, बल्कि उनके खिलाफ कत्ल के मुकदमात दर्ज होने चाहिए थे, क्योंकि 1,23,00,000 आवाम की जान से खेलने का जो अमल है इससे बढ़कर जुल्म मेरे ख्याल है दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश तो ये है कि 5 महीने गुजरे हैं लेकिन आज तक ना तो इस मामले को उठाया गया है, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और अभी भी लोगों को जैली अद्वियात दी जा रही हैं, लोगों को जैली अद्वियात के ज़रिए मारा जा रहा है। तो इस अवामी कत्ल के लिए हम आपके तवसुत से इस फोरम में ये आवाज़ हमने उठाई है और हमारी गुजारिश ये है कि इस पे जनाब फौरी तौर पे एक रूलिंग दें कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई तो नहीं हुई है, आप ये रूलिंग दें कि जी इस पे कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाए। 27 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है और पूरे साल का बजट है, और पूरे साल का बजट अगर जेली अद्वियात का है तो लोग कहाँ जाएं। मलिक साहब ये अखबार तो 12 फरवरी का है। सारी 12 फरवरी का अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये 12 फरवरी का अखबार है, हमने इससे पहले भी यहाँ उठाया है और आज ये जो एजेंडा है, एजेंडे का शिक भी ये है कि जेली अद्वियात की रोकथाम और रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरत की कीमतों को कंट्रोल करना। अब जेली अद्वियात की रोकथाम तो हो नहीं रही है, ये आपके सामने है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब अद्वियात जेली होंगी तो लोग अस्पताल का रुख कैसे करेंगे, और लेकिन मजबूरी में अगर आते हैं तो ये जेली अद्वियात उन लोगों की जान लेगी। तो इसके लिए तो हम सब जिम्मेदार हैं, ये जितने भी यहाँ हाउस में बैठे हुए मुअज्ज़ज़ अराकीन हैं और जितने भी बलूचिस्तान के जहाँ भी स्टेक होल्डर हैं वो सब इसके ज़िम्मेदार हैं कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और जनाब स्पीकर, इस वक्त जो पोजीशन है अद्वियात की भी और रोज़मर्रा अशिया की भी, वो कीमतें आसमान को छू रही हैं। जो कीमत पहले थी अब हर गोली की हर दवा की कीमत डबल हो गई है, बल्कि डबल से ज़्यादा हो गई है। लोगों को खाने पीने की चीज़ मुयसर नहीं होती, जब ये अद्वियात भी इतनी महंगी हो जाएं, ये बलूचिस्तान के लोग जाएं तो कहाँ जाएं? आटा ख़रीद नहीं सकते,
चीनी खरीद नहीं सकते हैं, दाल खरीद नहीं सकते हैं, सब्जी खरीद नहीं सकते हैं, गोश्त तो मैं समझता हूँ कि बड़े जो पहले अब तो मुतवसत तबका दरमियान से हमारे माशरे से निकल गया, बहुत बड़ा अमीर बहुत ज़्यादा गरीब, ये दो तबकात जनाब स्पीकर इस वक्त हमारे माशरे में हैं। अब अगर बड़ा तबका है उसके लिए भी गोश्त खरीदना एक मुश्किल अमल है, तो छोटा जो गरीब लोग हैं जो पॉवर्टी की लाइन से नीचे हैं वो फिर गोश्त कैसे खरीद सकते हैं, वो गोश्त अपने बच्चों को कैसे खिला सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इस मामले को लें और यहाँ लोगों को ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम करें, ऐसे हालात उनके लिए कि कम से कम खाने पीने की चीज़ वो ख़रीद सकें, और अगर कहीं जाते हैं तो उनको साफ़ अद्वियात मिलें, सही अद्वियात मिलें, उनके इलाज का सबब बने। और दूसरी जो गुजारिश है जनाब, कोरोना से मुतालिक साथियों ने बात की है, मैं जनाब से ये अर्ज़ करूँगा कि इस फ्लोर से एक आप हुक्मनामा जारी फरमाएं, एक रूलिंग दें कि कोरोना में, क्योंकि हमारे सामने जो कुछ हो रहा है कोई भी ऐसा यहाँ नहीं बैठा जिसको नहीं पता, हमारे सामने जो कुछ हो रहा है मार्च अप्रैल मई में जनाब बलूचिस्तान में हज़ारों लोग बीमार रहे हैं, वो हफ्ता 10 दिन हालात के मुताबिक वो अल्लाह की मेहरबानी रही है वो ठीक हुए हैं, वो अद्वियात उन्होंने खुद वो मसरफ किया है, हुकूमत की तरफ से न किसी ज़िले में और न किसी तहसील में और न कहीं भी ये जो पड़े हुए मरीज़ हैं मरीज़ थे उनको उनकी कोई मदद नहीं की है। रही बात ये कि जब कोरोना का सिर्फ अखबारात तक की बात रही है, अखबारात में बयानात तक की बात रही है, तो हम ये मुतालबा करने में हक बजानिब हैं कि जब कोरोना का ये मरज़ शुरू हुआ तो हमें बताया जाए कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने अपने वसाइल से इस पूल पे कितनी रकम रखी है। ये हमारा हक है और ये फ़र्ज़ है इस हमारे दूसरे भाइयों का कि वो हमें इस पे मुतमईन करें कि बलूचिस्तान के वसाइल से कितने पैसे उस पे रखे गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से क्या मराहत दी गई है, क्या कुछ दिया गया है, क्या सामान दिया गया है। और इसी तरह एनडीएमए ने जो ये कहते हैं कि एक मरीज पे 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, ये एनडीएमए के स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि एक मरीज पे 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, हमने तो किसी मरीज पे 10 रुपए के पेनाडोल का खर्च भी किसी से नहीं देखा है जनाब, जो लोग हज़ारों की तादाद में बीमार रहे हैं, जो महीनों हफ्तों और अशरों तक अपने घरों में पड़े रहे और अपना इलाज कराते रहे। तो हम ये पूछने में हक बजानिब है कि कितना एनडीएमए ने हमारे बलूचिस्तान के पीडीएमए को क्या क्या मदद की है, किस किस्म की मदद की है, ये रिकॉर्ड पे आ जाए। और जो डोनर एजेंसीज हैं जिन्होंने कोरोना में यहाँ बलूचिस्तान में अपना एक किरदार अदा किया है वो भी बताया जाए कि उनकी तरफ से क्या क्या मदद की गई है, कितनी की मदद हुई है, और फिर ये कैसे खर्च हुआ, किस पे खर्च हुआ, ये तफसील हमारा हक है। आप नहीं होता तो जनाब आप रूलिंग दे दें कि ये विद इन वीक, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज ये जो सारी तफसील है ये हाउस को फराहम कर दें। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया मलिक सिकंदर खान एडवोकेट साहब।